वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विद मी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैंने ये दो बार रिपीट किया है क्योंकि बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं जिससे उन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो इस वीडियो में ये सिक्स्थ वीडियो है, इसमें वेटेड एवरेज मेथड करवाऊँगी, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल करवाऊँगी जिससे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए तो मैं आपके लिए एक थ्योरी वीडियो भी ला दूंगी जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है द पर्टिकुलर ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल इन स्टॉक ऑफ द मंथ जुलाई। जुलाई का दे रखा है ये ट्रांजेक्शन्स, 1 जुलाई 2019, ओपनिंग बैलेंस है 600 टन्स एट द रेट ऑफ 10 पर टन, 7 का है, 10 का है, रिसिप्ट एंड इशू दे रखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो मटेरियल आता है उसे वेयर हाउसिंग में रखा जाता है, और जब प्रोडक्शन करते हैं तो कहाँ से वो मटेरियल लिया जाता है, वेयर हाउसिंग से मटेरियल लिया जाता है। तो उस वेयर हाउसिंग में क्या करते हैं, वेयर हाउसिंग में मटेरियल को स्टोर करते हैं और उसे इशू करते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए। जब वो इशू करते हैं तो कौन कौन से मेथड यूज़ में लिए जाता है, उसमें से एक मेथड है वेटेड एवरेज मेथड है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे वेटेड एवरेज मेथड, ये सब सिंपलेस्ट मेथड है, आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगा आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है 1 जुलाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो होती है, जैसे डे फर्स्ट डे सेकंड, उस अकॉर्डिंग अपन क्या बनाते हैं, ये स्टॉक और लेजर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये डेट है, ठीक है, डेट सबसे पहले कौन सी है, 1 जुलाई 2019 वाली ये है। तो इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस है 600 एट द रेट ऑफ 10, तो 600 अपन कहाँ लिख देंगे, बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे, 600 एट रेट यहाँ लिख दी 10, इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6000 रुपीस आ जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरी डेट क्या आती है, वन के बाद आती है 7 आती है, तो 7 पे क्या है, 7 को डायरेक्ट इशू कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ रिसिप्ट नहीं है, ये डायरेक्ट इशू है, तो इशू किस में से करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के टन्स में से, तो 600 है, 600 में से इशू कितना कर देंगे, 160 टन इशू कर देंगे। और वो कैसे करेंगे, 160 टन कर दिया, और जो रेट है वो कौन सी रेट लगी, बैलेंस में जो रेट आती है वो वाली रेट लगी, ठीक है। तो ये 10 आ गया, ये वाली रेट यहाँ लग गई, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो 1600 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इशू किया अपन ने, तो ये क्या हुआ कि ये देखो, इशू किया ये 600, ये 600 में से लेस कर देंगे कितना, 160 लेस कर देंगे तो 440 आ जाएगा। ये 440 कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया 440 लिख दिया, ये इसको इससे लेस कर देंगे तो क्या जाएगा, 440 आ जाएगा। इसी तरह जो 6000 ना, 6000 में से लेस कर देंगे 1600, ये देखो 6000 में से लेस कर देंगे 1600 तो क्या आ जाएगा, 4400। तो ये 4400 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ रेट कौन सी लगेगी, यहाँ रेट हमेशा वेटेड एवरेज मेथड कर रहे हैं अपन, तो वेटेड एवरेज मेथड में जो अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट होता है और क्वांटिटी के कॉलम में जो अमाउंट होता है इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें है 4400 को डिवाइड कर देंगे 440 से, तो क्या आ जाएगा अपना, 10 आ जाएगा। तो ये 10 वाली रेट यहाँ आ गई, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसकी रेट कैसे निकालेंगे, जब इशू करेंगे, इशू करने के बाद ये रेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो 4400 से 4400 को डिवाइड कर देंगे 440 से, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 7 हो गया, इसके बाद 10, तो 10 जुलाई ये आ गई, यहाँ 10 जुलाई पर क्या है, रिसिप्ट है 400 टन एट द रेट ऑफ 5 पर टन, तो 400 यहाँ लिख दिया रिसिप्ट के कॉलम में, रेट लिख दी 5, 400 को 5 से इंटू करेंगे तो 2000 रुपीस आ जाएगा, और इशू के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अब ये 400 आ गया, ये रिसिप्ट है, ठीक है।
अब बैलेंस में कितना है, इतना क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया, यहाँ देखो इतना क्वेश्चन हो गया, 440 है और ये 400 आ गया, 440 को ऐड कर देंगे किससे, 400 से, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 840 आ जाएगा, देखो 400 को ऐड कर देंगे 440 से तो 840 आ जाएगा, 840 क्या हो गया, यहाँ बैलेंस के कॉलम में आ गया। इसी तरह ये कौन सा, ये 4440 को इंटू ऐड करेंगे, सॉरी 2000 से, तो क्या आ जाएगा अपना 6400 आ जाएगा। अब देखो यहाँ फिर से अपन रेट लगाएंगे, ये रेट कौन सी लगेगी, ये सिक्स, मैंने रेट निकालना कैसे बताया था कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो अभी मैं बताती हूँ आपको, 6400 ये वाला अमाउंट डिवाइडेड 840 क्या क्या 7.62, सिक्स इसे कन्वर्ट कर देंगे, 7.62 ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना, 10 जुलाई तक हो गया। अब आगे क्या है, 16, ये क्या है, इशू है, इशू कितना करना है आपको, 400 टन्स करना है, तो 400 टन्स लिख दिया। अब मैंने बोला था यहाँ रेट कौन सी लगेगी, इससे पहले वाले बैलेंस की रेट, इससे पहले वाला कौन सा, ये वाला, इसकी रेट क्या है 7.62, तो ये वाली रेट यहाँ लग गई। अब इसको इससे इंटू करेंगे 7.62 से, 7.62 इंटू 3048, ये आ गया 3048, आपको समझ में आ रहा है। अब बैलेंस में फिर यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, अब 840 का जो मटेरियल है ले, उसमें पड़ा था वेयर हाउसिंग में, उसमें से 400 चला गया, तो कितना बचा, 440 बचा, इसमें से इससे लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 440 आ गया। इसी तरह 6400 में से लेस कर देंगे 3048 को, तो क्या आ जाएगा अपना 3352 आ जाएगा। एक मिनट आपको करके बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो 6400 इसमें लेस करेंगे, क्योंकि इसमें इशू किया है ना, तो ये लेस कर देंगे ये वाला, तो 3352 ये आ गया अपना, 3352 आ गया। अब इसी तरह 840 में से अपने लेस कर दिया था 400 को, वो अमाउंट यहाँ आ गया। मैं आपको धीरे धीरे क्लियरली समझा रही हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए। 24 जुलाई को क्या है, रिसिप्ट है 210 एट द रेट ऑफ 12, इनको इंटू करेंगे 2400, इशू में कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ रिसिप्ट है, रिसिप्ट होता है तो ऐड होता है, अगर इशू होता है यहाँ तो लेस होता है। अभी रिसिप्ट है तो क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, 440 को 200 से ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 640 आएगा, वो 640 यहाँ आ गया। 2400 को ऐड करेंगे 3352 से, तो क्या आ जाएगा, 572। अब देखो 57, अब मैंने रेट हमेशा ऐसे कर, इसको इससे डिवाइड करेंगे और रेट आ जाएगी, सिंपल तरीका है 5752 डिवाइडेड बाय 640, 8.98, इसे ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा राउंड फिगर में 8.99, तो ये आ गया अपना 8.99 है। अब लास्ट है 28 जुलाई का, इशू क्या है, 100 टन लिख दिया इशू के कॉलम में। अब मैंने बोला था यहाँ रेट कौन सी लगती है, बताओ कौन सी लगती है, हाँ बैलेंस के, इससे पहले वाले बैलेंस की रेट, इससे पहले वाला कौन सा, ये वाला, इसकी रेट क्या है 8.99, तो 8.99 इसको इससे इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 899 आ जाएगा। अब इशू किया है तो मैंने क्या बताया था, इशू करते हैं तो बैलेंस की क्वांटिटी में से इशू की क्वांटिटी क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो 640 में से लेस कर देंगे 800, तो 540 आ जाएगा, और 5752 में से लेस कर देंगे 899, तो ये क्या आ जाएगा, 4853, इसमें से ये लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये इसमें से क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और अमाउंट के में से अमाउंट का कॉलम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी रेट कैसी आई, इसको रेट मैंने वैसे बताई थी 4853 डिवाइडेड बाय 540, ये आ गया ना 8.99, ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से मैंने आपको बताया है, ये एक बहुत अच्छा मेथड है, आप इसे एक बार ज़रूर देखना। बाय।